वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर बार चेन मैकेनिज्म। देखिए बेसिक फोर बार चेन मैकेनिज्म आपके सामने बनाया गया है। इसमें चार टर्निंग पेयर होते हैं और इसमें चार लिंक्स होते हैं, फोर लिंक्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ये फ्रेम है जो फिक्स है, इसको कहते हैं फ्रेम, दिस इज फ्रेम। इसमें एक छोटा लिंक है जिसको कहेंगे हम क्रैंक। क्या कहेंगे? क्रैंक। ये जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हैं वो फॉलोअर को क्रैंक से जोड़ता है, दिस इज फॉलोअर, दिस इज फॉलोअर। और ये जो रेड वाला है इसको कहते हैं कपलर और कनेक्टिंग रॉड, कपलर और कनेक्टिंग रॉड। अब इसमें होता क्या है कि ये जो क्रैंक है, क्रैंक पूरा 360 डिग्री घूम लेता है, क्रैंक पूरा 360 डिग्री घूम लेता है और ये रॉकर या फॉलोअर को क्या करता है, ऑस्किलेट कराता है, दोलन गति कराता है। मतलब ये पूरा चक्कर काटता है और फॉलोअर दोलन गति करता है। ये इसमें चार घुमाव युगल बनते हैं, एक दो तीन चार, चार इसमें टर्निंग पेयर बनते हैं। ये बेसिक फोर बार मैकेनिज्म है। दिस इज फ्रेम, ये फिक्स होता है, ये फॉलोअर है, ये कपलर और कनेक्टिंग रॉड है और ये है क्रैंक। क्रैंक जो होता है ये पूरा चक्कर काटता है और फॉलोअर आधा अधूरा चक्कर काटता है या ऑस्किलेट करता है, ऑस्किलेशन करता है, ऑस्किलेशन। ये डिपेंड करता है कि जो कड़ियों की लंबाइयां हैं या लिंक्स का लेंथ कैसा है। अब यहाँ पे छोटा है तो पूरा चक्कर काट लेता है और साथ में जो बड़ा वाला है वो ऑस्किलेट करता है। लेकिन अगर ये दोनों एक साइज के होते तो दोनों पूरा चक्कर काटते, जैसे कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म में होता है, वो दोनों क्रैंक जो है पूरे चक्कर काटते हैं। और दिस इज फोर बार मैकेनिज्म। ये फोर बार मैकेनिज्म या फोर बार चेन मैकेनिज्म है। इसके आगे जो इसका इन्वर्जन आएगा वो अलग अलग आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि क्रैंक जो है 360 डिग्री घूमे या फॉलोअर ऑस्किलेट करे, हो सकता है क्रैंक जो है दोनों बराबर हो। चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।